हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं, नीट के पोस्टपोन्ड के रिलेटेड क्या खबर है, क्या नीट का एग्जाम पोस्टपोन्ड कर दिया गया है या फिर जो फिक्स डेट थी उसके 12 सितंबर को उसी डेट पर होगा। तो चलिए इस खबर को देख लेते हैं। सबसे पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया खबर के मुताबिक द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये क्लियर कर दिया है कि जो नीट का एग्जाम है उसमें किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी। मतलब जो डेट है, डेट में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं आगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने और क्या कहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि अगर नीट का एग्जाम डिले किया जाता है, अगर उसको हम आगे पोस्टपोन कर देते हैं, तो अब उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। जब उसको आगे सेटल करना है तो उसमें सेटल करने में 60 से 70 दिन लग जाते हैं। तो ये बहुत लंबा समय होता है, इसमें बहुत सारा इंतजाम करना होता है, इसमें बहुत सारी परेशानी आती है। इसलिए नीट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये क्लियर कर दिया है कि नीट का एग्जाम पोस्टपोन्ड नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं कि स्टूडेंट क्या चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट इसको पोस्टपोन कराने के लिए ही चाह रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंटों का मानना है कि जो एग्जाम है बैक टू बैक एग्जाम, मतलब से जिस टाइम पे, जिस डेट पर नीट का एग्जाम होने वाला, उसके आगे और पीछे बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट होने के लिए जा रहे हैं। अब उसमें ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि नीट का एग्जाम जो है 12 सितंबर को, उसकी तैयारी करें स्टूडेंट, या फिर जो अपने बोर्ड के एग्जाम ही या अदर एग्जाम, अदर एंट्रेंस एग्जाम जो भी इस टाइम पर आ रहे हैं, अब उनकी तैयारी करें। तो इसीलिए सारे स्टूडेंटों ने इसको ट्यूट करना शुरू कर दिया। अब ये ट्यूट अभी लगातार हो ही रहा है, ज्यादातर स्टूडेंट अभी ट्यूट के पक्ष में ही है। बहुत कम, ओनली कुछ ही परसेंट स्टूडेंट है जो ये नहीं चाह रहे कि एग्जाम पोस्टपोन हो, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट यही चाह रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन किया जाए। एग्जाम जो 12 सितंबर को होने वाला है, इसमें लगभग 16.5 लाख से 17 लाख स्टूडेंटों ने इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। अब बात की जाए कि स्टूडेंटों का जो मानना है कि ये एग्जाम हमारा जो पोस्टपोन किया जाए, अब इसकी बिना क्या है, देखिए इसमें बिना ये है, मतलब वो बोल रहे हैं कि हमारा तैयारी के लिए हमें इसमें गैप नहीं मिलेगा, तैयारी के लिए गैप नहीं मिलेगा। और उसमें बहुत सारी प्रोसेस है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। इसमें 3, 6, 7 सितंबर 3, 6, 7 सितंबर को जो है आंध्र प्रदेश में एग्जाम है। आंध्र प्रदेश में 3, 6, 7 सितंबर को इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। मतलब 3, 6, 7 सितंबर तो आप डेट जो है ये इसमें घिरी रहेगी। तो जो बच्चे ये तैयारी करने वाले हैं वो ये तैयारी करेंगे। इसके अलावा जो खुद सीबीएसई है, सीबीएसई का जो केमिस्ट्री का एग्जाम है बोर्ड का, वो 6 सितंबर को है। 6 सितंबर को केमिस्ट्री का सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम है। अब उसके अलावा आगे बात कर लेते हैं, तो 7 से 9 सितंबर तक इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। अब देखिए 7 से 9 तक ये डेट घिरी पड़ी है। इसके अलावा बात करते हैं आगे, 9 सितंबर को और सीबीएसई का खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम है। सीबीएसई का फिजिक्स का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 9 सितंबर को होगा। अब बच्चे बतलाइए, यहाँ 9 तक सीबीएसई के खुद एग्जाम है, फिर अब बच्चे नीट की तैयारी करें या फिर अपने सीबीएसई का अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। तो इसके बाद भी देख लेते हैं, ये भी छोड़िए, आगे देखिए सितंबर 11 एंड सितंबर 13 को फिजिक्स एंड बायोलॉजी मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड का फिजिक्स एंड बायोलॉजी का जो बोर्ड एग्जाम है वो कितने को है, वो 11 और 13 को है। अब बतलाइए, 11 को एग्जाम है, 12 में नीट का एग्जाम और 13 में फिर एग्जाम। तो बच्चे प्रिपरेशन किस चीज की करेंगे, 11 में करें या 13 में करें या फिर नीट की प्रिपरेशन करें। एक दिन में तो प्रिपरेशन नहीं होगी, बहुत सारा बोझ होता है। बच्चों को बहुत किलोमीटर दूर से आना होता है, उनको अपना सारा मेंटेनेंस करना होता है, अपना रहने का इंतजाम, जो बच्चे दूर से आते हैं उनको सब कुछ देखना, अपने सब कुछ देखना होता है जहां पर उनका एग्जामिनेशन सेंटर है। तो बताइए अपना वो बोर्ड एग्जाम करेंगे या फिर ये अपना नीट का एग्जाम करेंगे। चलिए इसको भी छोड़िए, आगे देखिए सीबीएसई का मैथमेटिक्स, सीबीएसई का जो सीबीएसई खुद मैथमेटिक का एग्जाम है 13 सितंबर को। अब बताइए जो बच्चे 12 को, इतना स्ट्रेस उनके ऊपर नीट का होगा, वो 13 सितंबर को अपना मैथमेटिक्स, जो इतना हाई मैथमेटिक्स, तो आप समझ सकते हैं कितना हाई होता, कितना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो उसकी तैयारी कैसे करनी है, अब नीट की तैयारी करनी है या एक दिन बाद अपने मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है। तो ये भी प्रॉब्लम है। सो ये सारे कारण है जो स्टूडेंट पोस्टपोन के लिए इसको डिमांड कर रहे हैं। अब आगे बात की जाए अगर, तो नीट यूजी, मतलब ये जो नीट है, मतलब नीट का कहना क्या है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, कि नीट का जो एग्जाम है ये किसी, कोई भी एग्जाम इसको क्रॉस नहीं कर रहा। मतलब 12 सितंबर कोई भी एग्जाम नहीं है, ठीक है कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन बच्चों का मानना यह है कि बाकी तैयारी कैसे करेंगे हम, मतलब बहुत सारे जो बाकी बोर्ड है उनमें तैयारी कैसे करें। तो आप इसके बाद देख लेते हैं, इसमें
बच्चे की जो और पोस्टपोन की एक मानना है वो ये मानना है कि जो इस एग्जाम का जो थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है तो उसमें जो 200 क्वेश्चनों का 180 क्वेश्चनों से 200 क्वेश्चन का है उसमें उनका मानना है कि उसमें भी उन्हें टाइम चाहिए, इसलिए भी वो थोड़ा डिमांड कर रहे हैं नीट को पोस्टपोन करने के लिए। अगर आगे बात की जाए तो देखिए अकॉर्डिंग टू सीनियर ऑफिशियल विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द एग्जाम टाइम, इनका कहना है कि एग्जाम टाइम पर ही होगा। कौन कौन बोल रहे हैं? सीनियर ऑफिशियल विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये बोल रहे हैं कि एग्जाम अपने वक्त पर ही होगा, 12 सितंबर को ही होगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो फिलहाल तो यही अपडेट है, आगे क्या रहने वाला वो देखते हैं। इसके बाद देखिए अगर ये पहले से ही बोल रहे हैं कि एग्जाम जो था 11 अगस्त में था और पहले से ही पोस्टपोन कर रखा है, इसलिए इसमें भी काफी टाइम लग गया। उसके अलावा ये बोल रहे हैं अगर हमने चेंज कर दिया तो इसमें 60 से 70 दिन हमको मेंटेनेंस करने में दोबारा से लग जाएंगे, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। और अगर एग्जाम डिले हुआ, अगर एग्जाम डिले हुआ तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी डिले होगा, तो अगर रिजल्ट डिले हुआ तो फिर एग्जाम जो इसका एडमिशन प्रोसेस है वो भी डिले हो जाएगी। तो इनका मानना है कि एग्जाम बिल्कुल ये एक्यूरेट टाइम है, फिक्स टाइम है, इस फिक्स टाइम पे हमको एग्जाम कराना चाहिए। और जब एग्जाम फिक्स टाइम पर हो जाएगा तो खास इसी टाइम पर मतलब उसके जस्ट बाद रिजल्ट का हो जाएगा, रिजल्ट जल्दी आएगा, डिले नहीं होगा, तो फिर एग्जामिनेशन प्रोसेस भी जल्दी हो जाएगी। तो अब एनटीए क्या क्लियर करता है? एनटीए ने पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि उसने जो भी स्टूडेंट थे, जो भी कैंडिडेट हैं, उनके जो सेंटर हैं, सेंटर डिटेल और सिटी डिटेल और सेंटर डिटेल क्लियर कर दिए हैं। मतलब सेंटर और सिटी डिटेल एनटीए के द्वारा पहले से ही क्लियर कर दी गई है, आप चाहें तो वहां पर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अब लास्ट में अगर बात की जाए, अगर 12 सितंबर को एग्जाम होने ही वाला है तो उसमें क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए एडमिट कार्ड जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे कब से? 9 सितंबर की रात से आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे, आप चाहें तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं 9 सितंबर की रात से। तो आप ये देख लीजिए ये सारा प्रोसेस था अब तक एनटीए ने या फिर आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये क्लियर कर दिया कि एग्जाम अपने वक्त पर ही होगा। बाकी क्या प्रोसेस रहता आगे? लगातार वैसे ट्यूट जा रही हैं, अगर डिले होता है एग्जाम तो आप जो भी खबर होगी आपको बता दी जाएगी। तो अब तक के लिए यही खबर थी, और अगर आप आगे खबर पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सारी खबरें मिल सकें कि नीट डिले होगा नहीं होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू।